वीडियो में हम एमएस वर्ल्ड की मेलिंग टैब की मेल मर्ज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेल मर्ज होती क्या है। तो मेल मर्ज एमएस वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही लेटर को बहुत से व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब हम ग्रुप में लेटर तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, जैसे इनविटेशन लेटर, ऑफिस लेटर आदि। उदाहरण के लिए हमने एक लेटर लिखा है और इसे बहुत से लोगों को भेजना है, तो हम लेटर को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसे हमारा काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस काम को जल्दी करने के लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करेंगे, इससे हमारा काफ़ी समय बच जाएगा। तो इसीलिए हम मेल मर्ज यूज़ करते हैं ये। तो अब हम यहाँ पे मेल मर्ज को करेंगे कि मेल मर्ज कैसे होती है। तो सबसे पहले हम मेलिंग टैब यहाँ पे जाएंगे। मेलिंग टैब में जाने के बाद हम स्टार्ट मेल मर्ज यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले लेटर का है, ईमेल मैसेज का है, इनवर्ब का है, लेवल्स का है, ये सभी ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो मेल मर्ज को यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये जितनी भी दिए हुए हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, या मेल मर्ज को हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेल मर्ज को हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो क्लिक करते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन आ जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे लेटर, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे लेटर, ईमेल मैसेज, इनवर्ब, लेवल, ये सभी मैसेज आ जाएंगे। इसमें हमने लेटर पे क्लिक किया और लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ये एक लेटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लेटर, ये सपोज करो हमने यहाँ पे एक ये लेटर लिखा हुआ है, ये हमारे पास लेटर है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये लेटर एक पेज में हमने तैयार किया हुआ है, ये हमारा एक लेटर यहाँ पे तैयार है। ये तो ये लेटर, ये सपोज करो हमने एक लेटर लिखा, ये इसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सेकंड स्टेप आ जाएगा। तो ये जो मेल मर्ज होती है ये 6 स्टेप में बन के तैयार होती है। ये सेकंड स्टेप हमारे पास आया है ये। तो यहाँ पे इसमें ये ऑप्शन आ जाएंगे, यूज करंट डॉक्यूमेंट, पहला ये कि इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है ये, या सेकंड ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट से स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, ये टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ से भी हम ऑप्शन ये ले सकते हैं, ये तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं ये, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन लेंगे यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये जो लिया हुआ है इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर हम अगले यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्टेप थर्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे ये देखो थर्ड स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसको यूज़ करना है, या सेकंड सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, इसको यूज़ करना है, या टाइप ए न्यू लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, नई लिस्ट तैयार करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये आ जाएगी टाइप ए न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये एड्रेस लिस्ट ये दी हुई है, जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी है, तो ये सारी ये आगे तक ये लिस्ट बनी हुई है ये। तो इस लिस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखो सभी सारी लिस्ट पड़ी हुई है ये। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लिस्ट
सारी यूज करनी है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से ये लिस्ट तैयार होके हम बनाएं, ये अपने हिसाब से बनाएं, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट हमें चाहिए वो यहाँ पे रखनी है हमें, और जो लिस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए वो हमने क्या करना है यहाँ से डिलीट कर देनी है। जैसे टाइटल यहाँ पे हमें नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस। फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, यहाँ से भी इसको भी डिलीट किया ये, लास्ट नेम इसको भी डिलीट किया ये, यस। ये कंपनी नेम इसको भी यहाँ से डिलीट किया, यस। डैश लाइन फर्स्ट ये भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया ये। ये सिटी अगर चाहिए तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, स्टेट भी चाहिए। आगे जिप कोड यहाँ पे क्लिक किया ये, इसको डिलीट किया, ये भी डिलीट हो जाएगा ये। आगे कंट्री इसको भी डिलीट किया, ये भी चला जाएगा ये। आगे होम फोन अगर ये चाहिए नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट करिए। इसके बाद ये अगला ये भी हमने यहाँ से डिलीट किया ये, और ये भी यहाँ से डिलीट कर दिया ये। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिटी स्टेट दो रह जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड पे गए, ऐड किया एड्रेस, एड्रेस ऐड किया, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ए कैपिटल कर लेते हैं, यहाँ पे एड्रेस ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। इसके बाद और भी यहाँ पे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे पिन ये भी यहाँ पे ऐड करना है, ये ओके पे क्लिक किया, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। अगर हम इसको ऊपर नीचे ले जाना चाहते हैं तो ये काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये देखो पिन को ऊपर ले जाना है, ये या एड्रेस को ऊपर ले जाना है, यहाँ पे हम एक और लिस्ट ऐड करते हैं, ये यहाँ से ऐड किया नेम, ऐसे यहाँ पे ये हमारा नेम यहाँ पे आ गया ये, ओके ये नेम आ गया। हम चाहते हैं कि ये नेम जो आई है ऊपर ले जाना ही है, तो इसको मूव अप, ये देखो नेम ऊपर जा रही है, ये फर्स्ट पे रखा, अब सेकंड पे क्या रखना है, ये जैसे एड्रेस को रखना है, ये मूव अप, ये एड्रेस से ऊपर ले गई ये। इसके बाद सिटी रखा ये, इसके बाद स्टेट रखा, उसके बाद पिन रखा। अगर ये नीचे ले आना है तो मूव डाउन, ये देखो एड्रेस को नीचे ले आना है तो मूव डाउन, ऊपर ले जाना है तो मूव अप, इस हिसाब से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ये करने के बाद हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया है, ओके पे क्लिक करने के बाद ये एड्रेस लिस्ट हमारे पास बन के आ जाएगी जो अभी हमने तैयार की है। इस एड्रेस लिस्ट पे हम सबसे पहले नेम को भरेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा अमित, ये नेम लिखा, ये आगे जाने के लिए एड्रेस पे जाने के लिए हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, ये देखो टैब की प्रेस की, इससे हमारा कर्सर आगे चला जाएगा। यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये एड्रेस लिखा G22। आगे जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये टैब की प्रेस की, सिटी, तो सिटी यहाँ पे सपोर्ट करो मैंने ये सिटी भर दी है। आगे जाने के लिए फिर टैब की प्रेस की, इसके बाद आगे भी ये मैंने ये भर दिया ये। इसके बाद पिन, आगे मैंने यहाँ पे कुछ भी ये पिन वगैरह भर दिया ये मैंने यहाँ पे पिन भर दिया ये। इसके बाद नीचे आने के लिए या तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एंट्री, या हम टैब की प्रेस करेंगे, ये देखो जैसे टैब की प्रेस की, ये अपने आप ये सेकंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे मैंने भरा ये रोहित, इसके बाद 45। आगे फिर हम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शिमला, इसके बाद टैब की प्रेस कीजिए HP, इसके बाद आगे कुछ भी यहाँ पे नंबर लिख दिया, ये लिख दिया पिन नंबर यहाँ पे कर दिया ये। इसके बाद न्यू एंट्री यहाँ पे क्लिक किया ये, इसके बाद अगली एंट्री ये मोहित, मोहित यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी ये नंबर वगैरह लिख दिया ये,
इसके बाद फिर टैब पे प्रेस किए, यहाँ पे दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे यूपी, यहाँ पे कर दिया ये। इसके बाद आगे टैब की प्रेस की, यहाँ पे हम पिन एंटर करेंगे, फिर टैब प्रेस किया ये टैब की। इसके बाद अगले पे आ जाएंगे, जैसे अगला ये हमारा, उसके बाद ये आगे चले गए ये। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये लिखा, ये एड्रेस लिखा, आगे चले गए दिल्ली, इसके बाद आगे चले गए ये। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये लिखा, इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, ये जैसे ये पिन भर दिया। ये भरने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने लास्ट एंट्री यहाँ पे भरी, ये डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट एंट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से चली जाएगी। ये देखो, ये जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिलीट, तो यस, ये देखो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ से कोई भी यहाँ पे जो भी एंट्री वगैरह की हुई है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, ये ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नेम वगैरह दे दिया, ये नेम, और इसको सेव कर दिया। ये सेव होने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी, ये मेन मर्ज। तो इसमें क्या ये हमारे पास बताएगी कि क्या क्या हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एडिटिंग वगैरह करनी है, तो हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये जो हमारी फील्ड है, ये जैसे एडिट करना है ये, तो यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद एडिट यहाँ पे क्लिक किया। अब सपोज करो यहाँ पे अमित की जगह कुछ और आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हम भर देते हैं ये अलोक, ये भरा हमने, तो ये हम यहाँ पे इसमें चेंजिंग कर दी। चेंजिंग करने के बाद और भी है जहाँ पे हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो ये भी चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये लिख दिया, इसके बाद ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक किया, तो ये जो एंट्री है ये देखो नेम अलोक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे एंट्री वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर ये जो दिया हुआ है ये सॉल्ट में करना है तो सॉल्ट में कर सकते हैं, फिल्टर में कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इनका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ये ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारा ये बन के आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोर आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें हमने मोर आइटम यहाँ पे जाना है। ये मोर आइटम यहाँ पे जाने के बाद पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमारे नेम एड्रेस सिटी स्टेट पिन ये कहाँ पे चाहिए हमें, सपोज करो यहाँ पे हम ये एंटर यहाँ पे क्लिक किया, ये जो फील्ड है ये फील्ड हम यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ भी नेम एड्रेस सिटी स्टेट पिन यहाँ भी दिए गए हैं। अगर यहाँ से करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम मोर आइटम क्लिक करेंगे। आप नेम को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो नेम पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, ये नेम आ गया, ये एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ गई है। फिर यहाँ पे मोर पे जाएंगे, आप सेकंड एड्रेस को एंटर इंसर्ट करना है नीचे, तो हम एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो पहले क्या करेंगे, ये एंटर पे हमने यहाँ पे प्रेस किया, ये इसके बाद सिटी, ये देखो सिटी आ गई, इसके बाद फिर एंटर, उसके बाद स्टेट, ये स्टेट आ गई, उसके बाद फिर एंटर, उसके बाद आगे ये पिन, ये
यहाँ पे पिन आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो भी है ये हमारी फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, या ये यहाँ पे नहीं क्लिक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इससे भी वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो पहला जो हमने ये एंट्री की थी अलोक, ये एड्रेस था, ये सिटी स्टेट और पिन था, ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरा देखने जाते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये देखो रोहित, थर्ड मोहित, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तीन ही यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारे पास पीछे का देखना है, तो ये देखो रोहित, इससे पीछे ये अलोक, तो ये हमारे पास ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कंप्लीट द मर्ज यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसका प्रिंट आ जाएगा, ये देखो जितना भी है ये हमारा इसका प्रिंट आ जाएगा। अगर हम एडिट इंडिविजुअल लेटर ये क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर सभी ये चाहिए, जितने भी हमारे पास एड्रेस थे सभी के लिए एड्रेस चाहिए तो और पे क्लिक यहाँ पे करेंगे हम, या करंट यही चाहिए तो यहाँ पे करंट पे क्लिक करेंगे, या फॉर्म कहाँ से कहाँ तक चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें क्या चाहिए, ये जितने भी एड्रेस हैं सभी के लिए चाहिए तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे, और फिर ऑल पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये जो लेटर है, ये लेटर जो है ये सभी को चला जाएगा। ये पहला ये हमारा देखो यहाँ पे एड्रेस ये अलोक है, ये इसको चला गया, ये एक लेटर बन के। अब देखो दूसरा ये रोहित, इसके लिए भी बन के लेटर चला गया ये। इसके बाद ये अगला है हमारे पास मोहित, इसके लिए भी ये लेटर बन के तैयार हो गया ये। तो इस प्रकार एक ही लेटर को हम बहुत से लोगों को भेज सकते हैं ये। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने मेल मर्ज के बारे में जाना कि मेल मर्ज को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।